नारायण 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 राम 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 सब बोल रहा मैंने तो कोई बात सुनी नहीं अभी तो कोई सोची नहीं नारायण 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 मुख्य तो उद्देश्य होना चाहिए अपना अपने इस उम्र में क्या करना है इस जन्म लेकर क्या करना है अपने मनुष्य बनकर क्या करना है उद्देश्य चाहिए ना प्राय आदमी कैसा रहता है कि धन कमाओ और भोग भोगो अब परमात्मा कैसे हो गई उद्देश्य लक्ष्य ही जब धन कमाने का है तो भोग भोगने का है तो परमात्मा से तुम्हें प्राप्ति कैसे हो गई थी लक्ष्य ही नहीं है विचार करो भाई ये भोग है सुख है तो पशु पक्षी आदि भी मिल जाता है वहीं भी मिलेगा लग्न का भाव नहीं रहेगा कुत्ता है गधा है ऊंट है सुअर है इनको भी मिलता है उसी सुख को अपने लेते हैं तो मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई मनुष्य जन्म कैसे सफल हुआ ये स्वयं विचार करने का है अपना एक ध्येय बनना चाहिए लक्ष्य के हमें इस उम्र में ये काम करना है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार दुनिया कुछ भी करे कुछ भी ना करे उसमें कोई मतलब नहीं है हमें तो अपने कल्याण से मतलब है ना वो कल्याण अपना करो औरों का करो सबका करो जितना हो सके करो वो होना चाहिए ना लौकिक में तो ये बात है कि अपने लाभ हो जाएगा उससे दूसरों को लाभ हो जाएगा ये बात है नहीं हमारे धन आ जाएगा तो क्या फायदा होगा दुनिया के नुकसान ही होगा दुनिया में जितना धन है सीमित उसमें से हमारे को मिलेगा तो उसमें तो घाटा ही पड़ेगा दुनिया में पर वो सीमित वस्तु है उनमें हम लेंगे तो उनमें लेंगे तो कमी आवेगी दुनिया में हम अगर व्यक्तिगत संग्रह नहीं करते हैं तो वो तो दुनिया में काम आवेगा ना तो लौकिक उन्नति में तो अपना धन कमावे ये है पर वास्तव में इसमें दुनिया का नुकसान है और पारमार्थिक उन्नति हम करते हैं तो इसमें दुनिया का हित है दूसरा किसका नुकसान किसका बताओ औरों के भी उद्धार में उन्नति में सहायक होंगे कि नहीं हमने इतना आध्यात्मिक लाभ कर लिया है उतना लाभ दुनिया को ही होगा कि नहीं होगा हमारे संपर्क से हो दर्शन से भाषण से चिंतन से व्यवहार से हित ही होगा दुनिया का क्या नुकसान क्या होगा वो भोगी और संग्रह से नुकसान ही होगा फायदा क्या होगा संग से खराबी होगा उनका दर्शन भाषण चिंतन भी पतन करने वाले ही होगा
ऐसे तो घाटा किया है, ऐसे ही घाटा ही होगा भाई। कोई ते प्राप्त अंतिमा में वह सर्वभूति हिते रहता, तो हित तो कैसे होगा, सबका हित होगा। हम त्याग हैं और हमारे व्यक्ति के द्वारा ही लाभ होगा, तो हम सांसारिक वस्तु नहीं चाहेंगे इससे ही होगा। सांसारिक वस्तु चाहना से दुनिया का एक्सप्रेशन होगा। तो स्वार्थ परमार्थ है दोनों, तो पारमार्थिक बातों में लग रहे मैं सबका ही दूंगा। परमार्थ स्वार्थ है सुनो, सुन ही होती है इसमें सभी होगा। अगर जोखिम में फंसना में तो इस द्वेष होता, आपस में खटपटी होगी। जितना ही आध्यात्मिक लाभ होगा उतना दुनिया को सबके कल्याण होगा, त्रिलोकी में कल्याण होगा। ढाई अरब आदमी है, उसमें एक आदमी को भी शांति मिलेगी तो उसमें से एक अंश को तो लाभ हुआ ना। उसने भोगों का त्याग किया, संग्रह का त्याग किया, तो इससे लाभ ही होगा दुनिया को, हित होगा ना। अब बाधा नहीं पड़ेगी, सहूलियत होगी। कैसा जी, तो सब तरह का कल्याण है इसमें, सबका कल्याण है, सबका हित है, किसी का भी अहित नहीं है। कोई समझे न समझे बात ही अलग है। क्यों सर, और परमों की बात कही हो क्या आई मैडम? आप लोगों ने दृष्टि अभी नहीं, बात है दृष्टि है तो इसमें विचार करो। हमारा और दुनिया का हित किस बात में है, अभी और परिणाम में हित किस बात में है? एक सुख होता है, हित होता है, तो सुख इतना दामी चीज नहीं है, हित दामी है। भगवान ही जानना, काज हमारा ताश हित हो ही, काम तो हमारा अपन में हित उसका हो, कितनी विशिष्ट बात है। बैर रखने वाला भी हित हो, अरे अनुभव की नाम अहित नहीं किया किसी का भी। तो स्नेह पुरुष हुए हैं, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है, स्वाभाविक होता है, बिना किए होता है। स्वाभाविक उनकी हवा से हित होता है, दुनिया का स्वाभाविक। तो कितनी विचित्र बात है, उपकार करोगे आप कितना उपकार कर रहोगे, रुपयों के इधर आप कितना उपकार करोगे, नहीं कर सकते ना। पदार्थों के द्वारा कितना करोगे, ये जितनी स्थूल वस्तु है उतनी वो छोटी है, जितनी सूक्ष्म है वो व्यापक है। जितनी सूक्ष्म होगी और परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म, अणु अणियान मधु महतो मही यान है, तो अणु से ही अणियान है, अत्यंत अणु है। तो इसमें स्थित होने से बहुत व्यापक लाभ होता है। कितनी विशेष बात है, हमारा और दुनिया का
कितना उपकार होगा। उद्देश्य केवल ये हो जाए कि भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, एक उद्देश्य होने से सबको लाभ होगा। कितनी विचित्र बात है, यही तो वो सच्ची बात है। अपना स्वार्थ भी सिद्ध होगा और स्वार्थ नहीं रखने से परमार्थ सिद्ध होगा, हमारा दूसरों का भी परमार्थ सिद्ध होगा और हमारे स्वार्थ में भी बाधा नहीं पड़ेगी, किंतु और सहूलियत होगी, सुगमता होगी। जितना आप संग्रह करते हैं वो दूसरे की कमी करते हैं, कमी करते हैं और क्या करते हैं। एक बात आई मन में कि जैसे एक सामाजिक कथा होती है, तो सामाजिक कथा होती है उसमें हम भेंट लेते हैं, जितनी हम भेंट नहीं लेंगे उनके घरों में ही रही अपने कथा करी, और कथा में अंत में भेंट करते हैं, और भेंट देते तो वो हमारे आती, अगर नहीं दी तो तुम्हारे घर में ही रही, नुकसान क्या हुआ, फायदा ही हुआ ना। और पारमार्थिक बातें सुनी उसमें कोई कमी नहीं आई, कथा में कमी नहीं आई, तो लोगों के दोनों तरह का लाभ हुआ नहीं। और बताओ और किस तरह होगा, तो लोगों का लोग दोनों लाभ कैसे होगा। कथा हो गई, भगवान की चर्चा हुई, तो पारमार्थिक लाभ हो गया, इस पारमार्थिक लाभ हुआ, पैसा उनका उनके पास ही रहा, उन पर खर्च हुआ नहीं होगा, तो इतना उपकार कौन कर सकता है। पैसों का कर सकते हैं, वस्तुओं का कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कल्याण को तो तुम्हारे घर, हमारा क्या फायदा, सब तेरे का फायदा। कलकत्ते की बात है, मैदान में सत्संग करते थे, सुनाते थे, हम कहीं चले गए तो किसी एक ब्राह्मण सुनाने लगा, वो भेंट लेने लगा, तो उसने कहा कि भेंट लेते हैं उसमें तुम्हारा पुण्य होगा कि नहीं, अब हम नहीं रहे तो तुम्हारे क्या फायदा होगा। स्वामी लेते नहीं तो स्वामी जी अच्छे हो गए समय लिया, पर हमारा क्या फायदा हुआ, हमारे पैसे सुबह लग जाते, भेज लेते तो हमारे कल्याण होता, हमारा हित तो होता, और भेज नहीं लेने से हमारा वो तो हित बंदी हो गया ना। तो क्या उत्तर इसका, हमारा उपकार होता है नहीं, हमारे पैसे काम में लग जाते, इस वास्ते हम भेंट देते हैं वो ठीक है, और नहीं लेते वो ठीक नहीं है। ये सुनाया लोगों ये बात सुनी नहीं कभी, हमारी बीती है इसी बात नहीं, ये ब्राह्मण वाली बात कलकत्ते वाली बात सुनी नहीं। आप इकट्ठा करने के बाद किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा, मैं जब हमने मैदान में सत्संग कराता था ना, वहाँ जब मैं वहाँ नहीं रहा तो लोग आते ही वहाँ, तो लोग तो कथा करने लगे, कथा करने के लिए भेंट लेने लगे, पैसा लेने लगे लोगों से, तो
तो उन्होंने ये बात बताई कि हम पैसा लेते हैं तो तुम्हारा दान पुण्य बढ़ता है, पैसे स्वामी जी नहीं लेते तो स्वामी जी अच्छे त्यागी त्यागी, पर हमारा क्या फायदा? लोगों का फायदा क्या हुआ? हम भेंट देते हैं तो तुम्हारा दान पुण्य होगा तो तुम्हारा लाभ होगा कि नहीं? समझा? तो तुम्हारा लाभ है इसमें, हमारा हम भेंट लेते हैं इसमें नहीं लेने से क्या लाभ तुम्हारा? बताओ से उत्तर क्या है? ठीक है भाई, हमारा हित है, पैसा नहीं ले हमारे क्या हित हुआ? हमारे तो पैसा लगी ही नहीं, हमारे पुण्य हुआ ही नहीं, उत्तर बताओ इसका। वो आपने बम्बई में कहा था एक बार, पैसा तुम्हारे मन में धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ, पैसे का महत्व बढ़ाने नहीं आया हूँ, धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ। ये मैंने कहा बम्बई में कहा था, बम्बई में कहा कि आप गायों के लिए अगर ऐसा करो, धनी आदमियों को इकट्ठा करके कहो और यहाँ पेटी रख दो, उनको कहो तो उसे पैसा इकट्ठा होगा तो उसे गायों का हित होगा। आप ऐसा तो करते नहीं, अगर बात करते हो क्या फायदा उसे चला हुआ? तो समझ नहीं आती बात, क्यों नहीं समझ में आती कि मन में पैसों का ही महत्व बैठा हुआ है? तो मैं ये करूंगा तो कहता कि स्वामी इतनी बातें बनाते हैं परंतु अंत में भेंट लिया बोलते तो काम तो पैसों से ही चला था। तो इसका सूक्ष्म अंश तो पैसों का महत्व ही बढ़ेगा, तो तुम तो पहले ही बढ़ा हुआ है, वही मैं अगर बढ़ा सारा लगा दूंगा तो मेरे को हम जाते हुए धक्का मैं ही लगा दी, और जोर लगा जोर है। तो मेरे द्वारा नरकों की सहायता मिलनी चाहिए, ये लाभ है क्या? आप तो बहुत पुनीत कार्य में अपने लिए ले नहीं रहे थे, गौओं के लिए। तो गौओं के लिए रहते तो पैसों महत्व तो पैसों का ही हुआ था नहीं? पैसे महत्व तो पैसों का ही हुआ था, उनके पास पड़े हैं क्या काम आएंगे? वो पड़े तो वो खुद त्याग कर आता है, काम कर जो होते हैं। एक कम्युनिस्ट कहते हैं लूट लो ले लो सभी, क्यों उनके पास उपकार हो जाए? तो लूट लो उनको चित जला कर लोगे तो आगे आग ही लगेगी, उसे शांति कैसे मिलेगी? तो पैसे से लाभ होता है, वो लाभ तो लोभ बढ़ाता है। पैसे से जो लाभ होगा वो मूल में लोभ को बढ़ाएगा, लोभ है लड़कों का रोजिया, ये आते ही नहीं ख्याल में। पैसों से लाभ लेगा तो लोभ बढ़ेगा कि नहीं? पैसों का महत्व बढ़ेगा कि नहीं? मन में पैसों का महत्व बढ़ा तो लोभ बढ़ा, लोभ बढ़ा तो नरकों में गए, फायदा क्या हुआ? नरकों की तैयारी हुई, इधर लाभ तो हुआ थोड़ा, गायों का लाभ हो गया, परंतु भीतर में रहस्य देखो तो अंतःकरण पर असर किसका पड़ेगा? पैसों का ही पड़ेगा, पैसों का ही महत्व होगा। रुपए थे तो बचनी नहीं बचती, नहीं बचती भावना होगी। हाँ, तो पैसों की आवश्यकता तो कितनी बड़ी बातें बनाओ पर आवश्यकता तो रहती है पैसों की, उनको भी अंत में तो पैसा ही मांगना पड़ेगा, नहीं तो अंत में तो यही आना पड़ेगा। तो तब तो यही है, मतलब ये बात समझ में नहीं आती हूँ। त्यागात शांति अनंतरम, गीता ने कहा है त्याग के अनंतर ही शांति, अंतरिक तत्काल ही शांति है। तो त्याग से शांति मिलती है वो ग्रहण से थोड़ी होगी। ये मैंने ऐसी बात कही है कि कहा भी कोई भी अपने अतिथि आ जाए, शुभ आ जाए, तो अतिथि जैसे भगनाशा गृहत पश्चिमी बढ़ सके, घर से निराश हो चला जा तो सतस्मय दुष्कर्म तत्वा पूर्णिमा जाएगा छी, तो उसको ना कहने से दोष लगता है,
तो मैंने शंका की दोष क्यों लगता, घर में बैठे हैं हम, किसी ने नुकसान नहीं किया तो किसी नहीं दिया तो नहीं दिया, पर नुकसान क्या किया, हम दोष क्यों लगे। तो उनमें मैं युक्ति ये बताई कि देखो वो कुछ भी नहीं लेता, पैसा नहीं लगता, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब लिए तब खाए, तो वो सब छोड़ा तो किस में आप में ही रहा, तो रोटी वास्ते आया तो उसी की चीज है रोटी, अब तुम खाते हो तो उसी का हक खाते हो। इस बात को दोष देगा, उस रोटी देते हुए उसके हक की है कि उसने संग्रह नहीं किया तो कहाँ रहा, आप में ही रहा। मैं 100-200 रूपया तो संग्रह कर सकता हूँ उन्हें, तो 100-200 रूपये करा तो आए थे इनमें जो इनके पास जाने उनमें से कमी होगी और क्या होगी, और कहां से आएगा। अरे वो नहीं लिया तो आप नहीं रहा, कहाँ रहा, किसके पास पता नहीं, परंपरा तो आप नहीं। तो भगतपुर रोटी मांगे, रोटी दे दो, नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय हो। 100 रुपयों का भीतर बैठा रहने से आदमी की अकल ठिकाना नहीं रहती क्या। यह प्रवचन परम संतरे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आसन कृष्ण चतिया प्रथम संबत 2047 श्री कृष्ण संबत 5216 तदनुसार दिनांक 7 सितम्बर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सर द्वारा हुआ। राम।